वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट, मैं सोनू यादव फ्रॉम प्रतापगढ़। जैसा कि मैं क्लास टेंथ में मैथ में पॉलीनोमियल में बहुपद पढ़ रहा था, तो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसी में अगला क्वेश्चन मेरा है बहुपद। क्या है बहुपद? ठीक है ना, बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा छः एक्स, फिर उसके बाद दिया गया है माइनस दो के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, के मूल ज्ञात कीजिए, यही मेरा क्वेश्चन है। तो सॉल्व में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना बहुपद, ठीक, माना बहुपद या फिर एक्स के मूल, ठीक है ना, या फिर एक्स के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तथा या फिर एक्स बराबर जीरो, तथा या फिर एक्स बराबर जीरो, तब बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा छः एक्स माइनस दो बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो अब हम इसका एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना बन जाएगा, ये छः आएगा इसका एलसीएम, तो छः और ये बटे में क्या बांध लेंगे, इसके एक और बटे में यहाँ पे एक, तो एक छक्के छः इकन्नम छः एक्स का स्क्वायर माइनस ये एक और एक्स का गुणा एक्स, फिर उसके बाद छः इकन्नम छः दूना बारह बराबर क्या होगा, जीरो, इसका बटा एक लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, तो छः एक्स स्क्वायर का नाम छः एक्स माइनस एक एक्स माइनस बारह, और उसके बाद ये इधर हो गया, ये इसका इधर में गुणा करेंगे तो छः जीरो जीरो, ये मेरा बन गया इधर से। अब हम ये ध्यान देंगे गुणनखंड करते समय कि दो घात वाले पद का गुणांक तथा अचर पद का गुणांक जो होगा उसका गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ये अचर पद वाला जो इसका साइन होगा हम उसी से पता करेंगे कि ये सेंटर में जो मेरा पद लिखा गया है वो जोड़ने के बाद आएगा या घटाने के बाद आएगा। तो 12 छंग 72 होता है, तो 72 को जब हम ऐसे करेंगे तो ये 2 36 आ गया, ये 18 आ गया, ये 9 आ गया, फिर ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, हो गया ना इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और 3 त्रिका 9, 9 गुणे 8 बराबर कितना होगा, 72 होगा। तो अब यहाँ पे कितना साइन है, घटाने का यानी माइनस का चिन्ह है, तो 9 माइनस कितना करेंगे 8 बराबर कितना 1, फिर उसके बाद 1 आया ना, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स लिखोगे तो एक ही का नाम एक ही एक्स, एक लिखा नहीं जाता ना, तो यही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 ना आएगा ना, एक्स बाहर है, माइनस 12 बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो 6x का स्क्वायर माइनस 9 इकन, ये ब्रैकेट खोलेंगे जैसे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा और एक्स का साथ में गुणा होगा, माइनस 9 इकन्नम 9 एक्स, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 8 इकन्नम 8 एक्स, माइनस 12 बराबर जीरो। दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना, दो दो का जोड़ा बनाएंगे हम अब यहाँ पे, तो इसमें कितना कामन ले लेंगे हम 3, और इसके इसमें कितना कामन होगा 3, तो ये दोनों में कामन 3 बन जाएगा, और यक्स दोनों में है तो दोनों में यक्स कामन लेंगे, 3x कामन हो गया, 3 दूना 6, यक्स की 2 घात है तो एक घात निकालेंगे तो कितनी घात बचेगी, 1 घात, और यहाँ पे 3 त्रिका 9, एक घात निकालिए तो कोई घात बचेगी नहीं, प्लस का साइन है लगा लेंगे, ये जो साइन है उतारे, और इसमें कितना कामन हो सकता है 4 ना, दोनों में भाग चला जाएगा, 4 कामन लिए, यक्स तो कामन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो 4 दूना 8 और यहाँ पे यक्स, और उसके बाद माइनस का साइन, और 4 तियाई 12 आ गया बराबर जीरो हो गया ना। तो अब हम लिखेंगे एक ब्रेकट में क्या दिया है, 3x प्लस 4, और दूसरे ब्रेकट में लिखा है क्या, एक ब्रेकट में बाहर बाहर वाला, एक ब्रेकट में अंदर वाला, 2x माइनस 3, ठीक, बराबर क्या होगा, जीरो, ठीक। तो अब यदि आएगा कितना, तो यदि में अब हम लिखेंगे इसमें यदि, ठीक, यदि
थ्री एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, तो थ्री एक्स बराबर ना, थ्री एक्स बराबर फोर को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस फोर हो गया। यक्स बराबर लिखेंगे थ्री गुणे में है, इधर बराबर की इस तरफ जाएगा तो ये माइनस, यानी कि चार है ये बटे में, गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो गया। पुनः यदि कितना है दूसरा ब्रेकट वाला, टू एक्स माइनस थ्री बराबर क्या है जीरो, तो टू एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री, फिर यक्स बराबर लिखेंगे तो थ्री बाई ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या होगा डिवाइड में होगा। इस प्रकार मेरा आंसर क्या आएगा, यक्स बराबर आएगा कितना माइनस फोर बाई थ्री, फिर कामा लगाएंगे थ्री बाई टू, यही हमारा क्या बना आंसर बना। तो एक सवाल ये तो समझ में आ गया होगा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या चीज़ वो ध्यान दीजिए अब, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये दिया गया है, यदि एक द्विघातीय बहुपद, यदि एक द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना, एक द्विघातीय बहुपद, और दिया क्या गया है द्विघातीय बहुपद में के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया गया है हमारा ये थ्री एक्स प्लस के, थ्री एक्स प्लस के क्या है एक मूल, के का एक मूल कितना दिया गया है दो है, तब के का मान ज्ञात कीजिए, यही है ना, क्लियर है। तो सबसे पहले हल करेंगे यानी सॉल्व में लिखेंगे हम, ठीक, बहुपद, बहुपद एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के का एक मूल दो है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा एक्स बराबर आता क्या होगा, आता के बाद एक मूल दो है तो एक्स बराबर दो, समीकरण द्विघातीय समीकरण में रखने पर दो द्विघातीय बहुपद में रखने पर, ठीक, ऐसे रखेंगे, क्लियर। तो अब क्या होगा के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के बराबर क्या हो जाएगा हमारा जीरो, ठीक है ना, यानी एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे अब जीरो, ये इसके बराबर जीरो होगा तभी आएगा। तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम दो, दो का स्क्वायर प्लस थ्री गुणे कितना दो प्लस क्या के बराबर क्या जीरो, तो के तो होगा ही, दो दूना चार हो गया, दो तियाई छः हो गया, प्लस कितना के हो गया बराबर कितना होगा जीरो होगा ना। तो अब उसके बाद आएंगे हम क्या करेंगे चार इकंदम चार के ना, चार के चार और के का गुणा चार के प्लस छः प्लस कितना के बराबर कितना जीरो, ठीक है ना। अब इसका अगर जोड़ोगे ना चार एक पाँच के प्लस कितना छः बराबर क्या जीरो, ठीक है ना, तो फोर के फिर उसके बाद प्लस इधर ले के जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस छः, फिर उसके बाद अगर हल करेंगे तो k बराबर कितना होगा माइनस छः बटा कितना चार, ठीक है ना, चार ये k था यहाँ पे चार एक पाँच, पाँच k होना चाहिए, ठीक है ना, ये पाँच k बराबर क्या होगा ये अब इधर गुणे में है इधर क्या होगा डिवाइड में, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स माई स्टूडेंट।